नेत्रो थाना क्षेत्र के गांव कोलाखेड़ी के मजरे के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए मीडिया को बताया कि वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे आदिकाल में जंगलों में जी जाती थी। उन्होंने बताया कि जब भी कोई चुनाव आता है वोट मांगने वालों की लाइन लगी रहती है और जब जीत जाते हैं तो मुड़कर भी कोई इस इकलौते और पिछड़े गांव में नहीं आता। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें जानवरों की तरह बिना बिजली, चारों तरफ गड्ढों में ठहरे गंदे पानी, बिजली के बिना अंधकार में जीना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब हम विधायक, सांसद या अधिकारियों के कुछ नहीं लगते तो वोट किसे देंगे, जब जानवरों जैसे हाल में जिंदगी ही जीनी है तो हम पूरे गांव के ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। पूरे गांव के ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि 19 अप्रैल को घर पर रहकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तरुण पराशर के साथ सागर शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? देशराज जी। जी, ये आपने बैनर लगवा रखा है चुनाव बहिष्कार का, ये किस कारण से? ये इस कारण से लगवा रखा जी, हम ज्यादा परेशान हैं, सारी रात अंधेरे में रहे और सारी रात बिजली नहीं आती और हम परेशान हैं बिजली बगैर। क्या नाम है आपका? बनार से। क्या हुआ इसका बैनर का? बैनर का यहाँ नारेबाजी लगा के भाग जा के आज निकल रहे करें कर रहे अगले साल बनूंगी ना, तो रास्ता है, रास्ता भी खत्म हो गया हमारी, ना नाली है ना कोई कुछ सुनवाई नहीं है कोई नेता की। कौन से नेता की? कोई सभी नेता वोट मांगन सारे आ जाएंगे भैया, और फिर बाद में कोई गेला खाता भी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इंद्रपाल है भैया। इसके बारे में बताइए आप। इसके बारे में बता रहे हैं कि हमारे सांसद प्रदीप चौधरी हमारी जो किराना तहसील से हैं, ये हमारी समस्या कोई हल निकाल रहे हैं, ना कभी हमारे माजरों में कभी देखने आते हैं, ना कभी कोई काम करते हैं, ना कोई विकास का काम हमारा आज तक हुआ नहीं। और ये 15 साल में अब 2-3 योजना इनकी हो रही है, आज तक हमारे माजरों में कभी देखने तक नहीं आई, और हम सारे सब कामों से वंचित हैं, हमें कोई हमारा विकास नहीं हो रहा है। आपका? राहुल कुमार। ये किस कारण से लगा रखा है आपने चुनाव बहिष्कार? भाई आज तक जब कोई भी नेता हमारे यहाँ आएगा नहीं, ना कभी आज तक उनसे ये भी पूछ लिया जाए कि हमारे गांव का नक्शे में है भी नहीं, आज तक देखने भी एक बार नहीं आया, ना नाली है ना पानी का व्यवस्था, पशु प्यासे मर जाते हैं बिना बिजली के, आज तक रात में एक बार रात भी बिजली नहीं आई है, दिन में भी 2-3 घंटे बिजली आ जाती है, उसमें अपना सारा काम करना होता है, पानी चलाओ या करो। और बाजे हवा चल जाती है, 8-8 दिन बिजली यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाती है। जी माता जी, क्या नाम है आपका? सोमवती। ये किस कारण से लगवा रखा है आपने? ये ना बिजली आवे यहाँ, ना नाली बनी, ना सड़क बनी, ना टूटी लगी, कुछ भी लगी, डांगर भी प्यास से हैं और आदमी प्यास से रहे, गर्मी मरते रहे, बताओ का, हमें कोई सुविधा नहीं है। गांव कोलाखेड़ी में 2024 इलेक्शन बहिष्कार, बिल्कुल बहिष्कार, व्यवस्था ही नहीं यहाँ पे, इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार बहिष्कार हाँ, प्रदीप चौधरी तो ये सोच रहा है कि ये तो वोट हमें देंगे और हम वोट देते हैं आपके मोदी जी के नाम से और योगी जी के नाम से, और ये जो अपना देते हैं और ये बन जा अपना सांसद बन के अपना बैठ जा, हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, ना कभी वोट मांगने में आता हमारे पास, चिमचों को भेज देते हैं बस, हम मोदी जी को वोट दे दें और बस अपना जय राम जी। भाई साहब, हम 2-3 बार तो विधायक के पास गए, किरत सिंह के पास, 3 बार इनके सांसद के पास गए गाड़ी करके किराए पे, यहाँ से चंदा इकट्ठा कर करके, मगर हमारी जाए हाँ जी हो जाएगा काम, पूरे 10 साल हो गए हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ, ना कोई सुधार हुआ यहाँ, ना हमारे गांव में बिजली भी 1-1.5 घंटे ही आती है दिन में, वो भी कास कारू लाइन से, और रात में तो आए होंगे 10 साल हम रात में लाइट आए हुए। आपके हमने ये ठान ली है कि हम वोट बहिष्कार करेंगे इनका, और जो कोई कैंडिडेट खुद आवेगा तो हम वोट डालने जाएंगे, नहीं हम जाएंगे नहीं।